हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं लेके आई हूँ एक नई रेसिपी। आज मैं बताऊंगी मटन को आसानी से और टेस्टी कैसे बनाते हैं। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमने यहाँ सब कुछ ले लिया है। देखिए, आधा किलो मटन लिया है हमने, बॉईल कर लिया है अच्छे से। हमने ये पहले ही बॉईल करके रख लिया था। देखिए, अच्छे से पका लेना है फ्रेंड्स। ताकि जब हम इसका मसाला तैयार करें तब ये कच्चा नहीं रह जाए। आज हम इसमें प्याज टमाटर कुछ नहीं डालेंगे, ऐसे ही सादा बनाएंगे। यहाँ पे मसाले लिए हैं हमने, चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने छोटी कटोरी ली है, हम इसमें सारे मसाले ऐड करेंगे। आधा चम्मच गरम मसाला लिए हैं, एक चम्मच जीरा पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर, हाफ चम्मच हल्दी, फ्रेंड्स नमक हमें थोड़ा ही लेना है क्योंकि हमने जब हमारा मटन बॉईल किया था तब हमने उसमें नमक डाला था थोड़ा, तो हम यहाँ पे हाफ चम्मच ही लेंगे नमक। एक से दो बड़ी चम्मच लाल मिर्च पाउडर लेंगे, हमने इसमें लहसुन मिक्स किया हुआ है। आप अपने हिसाब से भी ले सकते हो, आप जितना तीखा पसंद करते हो। हम यहाँ दो चम्मच ले रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, मसाले हमारे तैयार हैं सब। अब हमें इसमें से पानी ऐड करना है, जो हमने मटन में हमारे मटन में पानी है वो हमें मसालों में ऐड करना है थोड़ा सा। मिक्स कर लेंगे। पहले हम इसमें थोड़ा तेल ऐड करेंगे। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। मसालों को हमें अच्छी तरह से पकाना है ताकि इसमें से स्मेल सारी चली जाए। मसाले हमारे पक चुके हैं,
अब हम इसमें मटन ऐड कर देंगे। हमें इसमें दूसरा पानी नहीं ऐड करना है, जो हमारे मटन में था वही पानी ऐड करना है। अब हम इसे ढक देंगे 4 से 5 मिनट। चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं। देख सकते हैं अब हमारा मटन पक चुका है। गैस को बंद कर लेंगे। अब हम इसमें धनिया ऐड करेंगे। चलिए फ्रेंड्स तैयार है हमारा मटन, अब हम उतार लेंगे। देखिए फ्रेंड्स तैयार है हमारा मटन, जल्दी से और आसानी से और टेस्टी बनने वाला। फ्रेंड्स अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में जाके हमें बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी, ताकि हम हर रोज़ एक नई रेसिपी ला सकें।